नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। बीते कुछ दिनों से हम इतिहास को उसी के भाषा में आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में हम डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर का आंखों देखा सच आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस का रहने वाला डॉक्टर था। उसने साल 1658 से लेकर साल 1668 तक भारत यात्रा करते हुए भारत के इतिहास को समझने की पूरी कोशिश की। उस इतिहास को ग्रंथ का स्वरूप देकर उसने फ्रेंच भाषा में ट्रैवल्स इन मुगल इंडिया नामक किताब लिखी। उसने बिना किसी के दबाव में आकर सच्ची जानकारी अपनी किताब में लिखी है। जैसे कि मनुची नामक इंसान भी विदेशी था, पर उसने मुगलों के पक्ष में इतिहास लिखा। पर बर्नियर अलग किस्म का इंसान था। सच्चाई को ज्यादा महत्व देने के इल्जाम में उसे फ्रांस में गिरफ्तार भी किया गया था। डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर पर ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे मराठों के विषय पर आते हैं। उस दौर में मराठे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी अपनी किताब में लिखी थी। तो चलिए, डॉक्टर फ्रैंकोइस बर्नियर के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी जानते हैं। दक्षिण में एक मनुष्य है, बीजापुर बादशाह के अधीन रहे ढेर सारे किले उन्होंने जीते थे। उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। वो एक साहसी पुरुष है तथा उन्हें अपने मरने जीने की तनिक भी परवाह नहीं है। जिस समय औरंगजेब ने शाइस्ते खान को दक्कन भेजा, तब शाइस्ते खान ने बीजापुर सुल्तान की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज को शक्तिशाली पाया। पर बीजापुर सुल्तान के पास तो बहुत बड़ी सेना थी और वे लोग भी उसकी मदद करते थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना दुश्मन मानते थे। उस साहसी पुरुष का साहसी अनुमान इस बात से लगाना चाहिए कि जब शाइस्ते खान के सिपाही चारों तरफ फैले हुए थे, तब भी इस साहसी पुरुष ने शाइस्ते खान के कमरे में घुसकर हमला बोल दिया। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत कम आदमी थे। शाइस्ते खान के बेटे को म्यान से तलवार निकालने का भी समय मिला नहीं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों से उसका वध हो गया। अगर उस साहसी व्यक्ति के पास थोड़ा भी समय शेष रहता तो शायद शाइस्ते खान के पूरे खजाने पर अधिकार जमा लेता। इस आकस्मिक युद्ध में शाइस्ते खान बहुत अधिक घायल हुआ। इस किस्से को लिखते वक्त बर्नियर ने पुणे शहर की जगह औरंगाबाद लिखा। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा शाइस्ते खान की उंगलियां कटने वाली बात बर्नियर ने नहीं लिखी है। इस किस्से के बाद बर्नियर आगे लिखता है, इसके थोड़े दिन के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और चढ़ाई की जिसमें उन्हें अधिक सफलता मिली। 2-3 हजार चुने हुए आदमियों को लेकर वे उत्तर दिशा की ओर रवाना हो गए। जब वे जा रहे थे तब उन्होंने बाकी लोगों को ये खबर दी कि वे किसी बादशाह से मिलने जा रहे हैं। उस प्रवास में सूरत शहर लगने वाला था। जब उनकी टोली सूरत तक पहुंची, तब सूरत का एक अधिकारी उनसे मिलने आया। उस अधिकारी को उन्होंने कहा कि वे सूरत शहर के अंदर नहीं जाने वाले। पर अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कुछ आदमियों ने सूरत पर छापा मारा और लगभग कई मिलियन रुपयों का सोना, चांदी, रेशमी कपड़े और अन्य सामान हस्तगत कर लिया। जिस सामान को वो लोग लेकर जा नहीं पाए, उसे वहीं जला दिया गया। मैं ये बात लिखना भूल गया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत पर छापा मार रहे थे, तब अंग्रेज अधिकारी, चर्च और पादरी लोगों को कोई भी हानि पहुँचाई नहीं गई। उन्हें ये कहकर छोड़ा गया कि अंग्रेजों के पादरी लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। उसी प्रकार से एक हिंदू इंसान भी था जो डच लोगों के लिए दलाली करता था। वो बड़ा दानी वृत्ति का था, इसीलिए महाराज के लोगों ने उसे कोई हानि पहुंचाई नहीं। इस छापे में अंग्रेजों ने अपने अपने जहाज और गोडाउन बचा कर रखे, साथ ही अपने आसपास के गोडाउन को भी नुकसान होने नहीं दिया। इस सिलसिले में एक यहूदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का सामना किया। उसने 3 बार महाराज के तलवार की वार का सामना किया, पर फिर भी उस यहूदी ने अपनी संपत्ति का पता लगने नहीं दिया। ये देखकर सूरत की आम जनता हैरान हो गई। सूरत पर मराठों का आक्रमण हुआ, तब राजा यशवंत सिंह को भी सभी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे।
मराठों द्वारा सूरत पर आक्रमण और शाइस्ते खान को भगाना, इन दो घटनाओं के पीछे राजा यशवंत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच मिली भगत का अनुमान लगाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यशवंत सिंह की सलाह पर ये सब कारनामे किए हैं, इस बात की चर्चा होने लगी थी। इसके बाद औरंगजेब ने राजा जयसिंह को सेनापति का पद देकर दक्कन भेज दिया। उनके साथ अपने बेटे मोहम्मद मुअज्जम को भी किसी भी पद के बिना भेज दिया। जयसिंह ने मराठों के बड़े किले पर आक्रमण करना शुरू किया। साथ ही वे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी लेते थे। ये देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये शर्त स्वीकार कर ली कि बीजापुर की चढ़ाई में औरंगजेब का साथ देंगे। उस समय औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा की पदवी दी और साथ ही उनके बेटे को अपने सभासदों में बिठा दिया। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को खत लिखकर उनके शौर्य और उदारता की तारीफ की। राजा जयसिंह ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रण का आश्वासन देकर उन्हें आगरा जाने का न्योता भेजा। महाराज बिना संकोच के साथ आगरा पहुंचे, पर वहां शाइस्ते खान की बीवी भी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आने से उसे बड़ी तकलीफ होने लगी। वो अन्य लोगों को बोलने लगी कि इसी इंसान ने उसके पुत्र की जान ली और पति को भी घायल किया। इस कारण से वो छत्रपति शिवाजी महाराज को सलांखों के पीछे देखना चाहती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का भूतकाल देखकर बाकी लोग निगरानी रखने लगे, पर एक रात भेष बदलकर वे वहां से भाग गए। इस खबर से औरंगजेब की बेगमों को बड़ी तकलीफ हुई। राजा जयसिंह के बड़े बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया और उन्हें कुछ समय के लिए उनके दरबार में आने पर रोक लगाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के चले जाने पर राजा जयसिंह और उनके दोनों पुत्र पर औरंगजेब द्वेष दिखाने लगा। इस द्वेष का पता चलते ही राजा जयसिंह दक्षिण से उत्तर की तरफ अपने राज्य में जाने के लिए सवार हो गए। उन्हें इस बात का डर था कि औरंगजेब प्रतिशोध के रूप में उनके राज्य पर हमला कर देंगे, पर बुरहानपुर नज़दीक राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने दुख प्रकट किया। राजा जयसिंह का पद उनके दोनों पुत्र को बहाल किए गए। इस बात से मुगल दरबार के लोगों के बीच जलन पैदा होने लगी। लोगों के बीच बात छिड़ गई कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, इसलिए वे वहां से आज़ाद हो गए। लोग ये भी कहने लगे कि औरंगजेब ने कोई दुख प्रकट किया नहीं, क्योंकि उनकी बेगम छत्रपति शिवाजी महाराज से नाराज थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर डॉक्टर बर्नियर ने अपने किताब में ये सारी बातें लिखी हैं।